हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इंडसइंड बैंक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड इस कंपनी की तरफ से आप लोगों को डिविडेंड भी मिलने वाला है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पर कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि एक बैंक है, मतलब बैंकिंग सेक्टर की एक कंपनी है। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है, और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 68,123 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, ऑलमोस्ट 13 की PE है, 6.27% है कंपनी की ROCE एंड 10.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 3% के आसपास है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 11.5% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 0.97% है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 45.5% प्लेज हो रखा है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 10,110.47 करोड़ की इनकम एंड 1,603.29 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है, और अगर ये जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 9,291.08 करोड़ की इनकम एंड 974.95 करोड़ की, ऑलमोस्ट 975 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड यह है कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर जून 2021 की क्वार्टर के कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी ने बहुत ही एक ज़बरदस्त इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर, और अगर ये लास्ट क्वार्टर मतलब मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 9,759.99 ऑलमोस्ट 9,760 करोड़ की इनकम पोस्ट किया था एंड 1,361.37 करोड़ की प्रॉफिट, मतलब मार्च 2022 के क्वार्टर की कंपैरिजन में भी कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 के क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आई है जून 2022 के क्वार्टर की वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, फाइनेंशियल ईयर 2022 की बैलेंस शीट की कंडीशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है एंड अगर कैश फ्लोज देखा जाए तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 40,324 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 11,936 करोड़ की रह गई है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है, प्रमोटर्स FIIs एंड DIIs तीनों ने ही सेलिंग करी है इन जून क्वार्टर, और अगर पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक बड़े रिटेलर की एंट्री हुई है इन जून क्वार्टर, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 14.98% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूशन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, सिंपली अगर इस कंपनी की सर्विस को आप लोग यूज़ करते हो, इस बैंक की सर्विस को अगर आप लोग यूज़ करते हो, तो फिर अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। अभी अगर कंपनी की टेक्निकल के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे एंड पहले क्लियर कर रहा हूँ, ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी मैक्सिमम टाइम एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है एंड अगर देखा जाए तो पिछले 8-9 महीने से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है एंड ऐसे में मैं आप लोग को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस कंपनी में आप लोग स्विंग ट्रेड लो, क्योंकि ऐसे में अगर आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करते हो तो ना ही आप लोगों का स्टॉप लॉस सेट होगा, ना ही आप लोगों का टारगेट, बेकार में आप लोग ट्रैप्ड हो जाओगे एंड सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी ही होने वाला है। तो इससे अच्छा मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडर्स इस कंपनी से दूर रहे। एंड रही बात जो लोग लॉन्ग टर्म
टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रही है उन लोगों के लिए जो आइडियल एंट्री प्राइस है वो 800 रुपए के आसपास की रेंज पे निकल के आ रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है इस कंपनी के लिए। तो अगर ये कंपनी इन फ्यूचर आप लोगों को 780 रुपए से 800 रुपए के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब अगर कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड डिटेल्स चेक करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोगों को पर शेयर 8.5 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड ये है फाइनेंशियल ईयर 2022 का फाइनल डिविडेंड एंड एक्स डिविडेंड डेट है 11th of August। मतलब अगर आप लोगों को डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाय करने का लास्ट डेट है 10th of August को, क्योंकि रिकॉर्ड डेट है 12th को। इसीलिए अगर आप लोग को ये वाला डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक को 10 तारीख या तो फिर उससे पहले उठा लो एंड सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके स्टॉक को बाय मत करो। अगर लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो ही 10 तारीख से पहले स्टॉक को उठा लो, आप लोगों को ये वाला डिविडेंड मिल जाएगा। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।